राजस्थान के पाली मारवाड़ में मृतक के हथियारों के गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतक के परिजन सहित सैकड़ों समाज बंधुओं ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पाली के समीप दयालपुरा में 55 वर्षीय वृद्ध की अर्धजली लाश मिलने व उसके अज्ञात हथियारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन सहित समाज बंधुओं जिला मुख्यालय पहुंचकर जल्द हथियारों का पता लगाकर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात रहे कि 17 फरवरी को सदर थाना क्षेत्र के दयालपुरा गांव में 55 वर्षीय मांगीलाल बंजारा का शव खेत पर जेली हालात में मिला था और पास में ही एक आवारा श्वान का शव भी मिला था। परिजनों के द्वारा हत्या का शक बताते हुए पूर्व में भी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई थी। समाज वाले सरपंच साहब और हम लोग वहाँ मौके पर गए, पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि 2-4 दिन में आपका इस राज का टाइम दिया था, लेकिन हमने पुलिस की मदद की, सबको पोस्टमार्टम करवाया। फिर उन्होंने कहा कि 7 दिन में, हमने कहा साहब 2-4 दिन नहीं, आप 7 दिन में हमें राज खोलकर जो भी गुनहगार है उसको आप सजा दिलाने में सहयोग करें, लेकिन आज दिन तक उस हत्या से राज पास नहीं हो पाया। इसलिए मजबूरन गांव वाले 37 कौम के लोगों ने यहाँ आकर एक चेतावनी के लिए ज्ञापन दिया है कि साहब अगर रविवार तक इस हत्या से राज पास नहीं होगा तो सोमवार को पाली मुख्यालय पर ये 37 कौम के लोग बड़े आंदोलन के रूप में यहाँ आएंगे और इसके लिए सारी की सारी समस्त जिम्मेदारी ये प्रशासन की खुद की अपनी रहेगी। इसलिए हम आज ज्ञापन देने आए हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसका राज खोले, चाहे मुलजिम कोई भी हो, गलत नहीं फंसना चाहिए और गुनहगार बचना चाहिए, हमारी यही मांग है।